हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ निहार कावालिया और मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द सेबी ग्रेड ए। सेबी ग्रेड ए की प्रिपरेशन हमें किस समय शुरू कर देनी चाहिए। सी व्हेन वी टॉक अबाउट द सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन, इट इज़ बेसिकली अभी जो प्रीवियस एग्जामिनेशन था उसके पैटर्न के हिसाब से अगर हम जाए तो वो तीन फेजेस में डिवाइडेड था। तीन फेजेस का मतलब यहाँ पर फेज वन जो था दैट हैड बोथ, दैट मीन्स इट हैड बोथ जो हमारा बेसिक जो एग्जामिनेशन हर बैंकिंग में आता है, जीए आ गया, रीजनिंग आ गई, इंग्लिश आ गई, वो सब तो था ही, लेकिन उसके साथ में एडिशनल उन्होंने जो दूसरी चीज़ डाली थी वो था हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड का स्पेसिफिक। ये जनरल पोस्ट थी उसके रिगार्डिंग उन्होंने जनरल कॉमर्स के रिगार्डिंग के टॉपिक्स उन्होंने कवर किए थे। सो दैट मेक्स इट लिटिल मोर डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट कि एग्जैक्टली इस पेपर को हमने प्रिपेयर कैसे करना था। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इज कि फेज वन की प्रिपरेशन कैसे करनी है, फिर फेज टू पे कैसे जाएं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के समय हमें क्या क्या चीज़ें सोचकर चलनी है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो एक स्टूडेंट के दिमाग में आती है। सो पहले ये समझ लेते हैं इसका ब्रेन मैप क्या कहता है, इसका एग्जामिनेशन का पूरा पैटर्न क्या था। फेज वन, फेज टू एंड फेज थ्री। फेज थ्री इज बेसिकली इंटरव्यू देयर, ठीक है। फेज वन जो है उस दो पार्ट्स में डिवाइड है जिसके अंदर आपके पास इंग्लिश, जीए, क्वांट, रीजनिंग, ये चारों होंगे। ये पेपर 60 मिनट्स का था जो आपके पास इसमें 60 क्वेश्चंस थे। प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग दिया जाए तो पेपर वाजंट रियली वेरी डिफिकल्ट, इट वाज इजी टू मॉडरेट, बट जनरल स्ट्रीम का जो पेपर था इट वाज फेज वन के अंदर, इट वाज आई वुड एज अ कॉमर्स ग्रेजुएट आई कैन से पोस्ट ग्रेजुएशन आई डन दिस पर्टिकुलर फील्ड ओनली, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉमर्स से बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं हो तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा। इन्होंने फेज वन का पेपर सम हाउ बहुत ईजी रखा था, अलग ज़रूर था बिकॉज उन्होंने कुछ टॉपिक्स ऐसे ज़रूर डाले थे जो कि आपके सिलेबस के बाहर के थे, बट स्टिल इसका जो पेपर था इफ़ यू रियली हैव टू डिफाइन इट, इट वॉज ईजी, ठीक है। सो आपके इस पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का ये पेपर आ जाता है, देन दिस इज वॉट दे डिफाइंड इट इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। नाउ वॉट, हमने ये वाला पोर्शन खत्म किया, ये 40 मिनट्स का पेपर होता है, दिस इज द प्लेस वेन यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू द पेपर वन एंड पेपर टू ऑफ फेज वन। फेज टू में जाकर सिर्फ और सिर्फ यही 6 सब्जेक्ट्स बच जाते हैं जो इन्होंने पेपर टू में रखे थे फेज वन के। उसके अंदर सब कुछ स्ट्रिक्टली एज पर द सिलेबस ही था, वट एवर दे डिफाइंड इन द सिलेबस उन्होंने वहीं से क्वेश्चंस पूछे थे। एंड देन द थर्ड लेवल कम्स एट द पोर्शन ऑफ द इंटरव्यू। इस पेपर में ज़्यादा मुश्किल चीज़ें क्या हैं, द वैकेंसीज आर वेरी लेस, देयर वर 32 जनरल सीट्स, ओवरऑल 80 सीट्स वर देयर। वैकेंसीज जो हैं बड़ी लिमिटेड आती हैं, लेकिन फ़ायदा यह है कि ये जॉब ऐसे है कि इसके लिए ना प्रिपरेशन इज़ वर्थ इट। 1,03,000 पर मंथ का आपका आपका अमाउंट आ रहा है आपके पास, और साथ ही साथ आपको एक रेपुटेशन वाली जॉब में जा रहे हो और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में काम करने वाले हो, नॉट गोइंग टू सम बेसिक एरिया, रूरल एरिया में नहीं जाओगे कि पोस्टिंग वहाँ जाएगी नहीं, आप पूरे कंट्री में जहाँ जहाँ पर सेबी के बेसिक जॉब के इनके ब्रांचेस हैं ये वहाँ वहाँ पर यू कैन बी पोस्टेड एंड दैट टू इन डेवलप्ड सिटीज। सो अगेन यू कैन हैव समथिंग, बस आपको एक बार अपनी तरीके से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू इट। जब हम इसकी बात करते हैं, इसमें सेबी ग्रेड ए पेपर टू के अंदर जो जनरल स्ट्रीम का था पेपर फेज वन में और फेज टू में यही 6 सब्जेक्ट्स हैं, कमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड कंपनीज एक्ट। प्लस पॉइंट जो आपका मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी भी साथ में प्रिपेयर कर रहे हो तो यही सेम आरबीआई में भी है, यही सेम सेबी में भी है, तो आपके पास ये थोड़ी सी विन विन सिचुएशन है। इकोनॉमिक्स सिर्फ इस एग्जाम में नहीं आता, इफ़ यू हैव गिवन ईपीएफओ, इफ़ यू हैव गिवन एनी अदर एग्जामिनेशन रूल्स की इकोनॉमिक्स इज समथिंग विच यू विल फाइंड इन ऑलमोस्ट एवरी एग्जामिनेशन, तो दिस इज अ प्लस पॉइंट ओवर देयर कि ये तो हम ऑलमोस्ट हर पेपर में देखते ही हैं, ठीक है। सो ये आ जाते हैं आपके पास वो तीन सब्जेक्ट्स आपके लिए प्लस पॉइंट है। कमर्स एंड अकाउंटेंसी इज अ लिटिल टेक्निकल सब्जेक्ट, कॉस्टिंग इज अगेन टेक्निकल, फाइनेंस इज ऑल्सो टेक्निकल, वाइल कंपनीज एक्ट इज लॉ बेस्ड, ठीक है। तो ये है वो 6 सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर आपको वर्क करना थोड़ा जरूरी हो जाता है, लेकिन कैसे करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं कमर्स एंड अकाउंटेंसी की। इफ यू टॉक अबाउट द कमर्स एंड अकाउंटेंसी, इसे पढ़ने एक तरीका होता है, तो मैं उनका जो पिछली नोटिफिकेशन थी उसी में से बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ अगर आप पढ़ने का सोच रहे हो, हाउ टू स्टार्ट विद योर स्टडीज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट, नंबर वन इज योर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, दिस इज द बेस। सबसे पहले आपको इसको पढ़ना होता है, जब आप बेसिक्स को जानते होंगे तभी आप अगले लेवल कर पाएंगे ना। तो द फर्स्ट लेवल इज आपने पहले बेसिक्स देखने हैं, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कमर्स एंड अकाउंटेंसी का आधार आपको तैयार करना है। यू हैव टू लर्न ऑल द बेसिक्स एंड देन यू शुड स्विच टूवर्ड्स द अकाउंटिंग
स्टैंडर्ड्स. द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज इफ यू डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल टेक अ लिटल टाइम. अगर आप दो तीन बार, एक बार दो से तीन दिन आपको इसमें लगाने होंगे बिकॉज हर एक अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को उन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है. इसके बाद आपको टाइम लगेगा इसके अंदर. एक बार आपने ये समझ लिया कि वॉट इज एग्जैक्टली द कंपनी फाइनल अकाउंट, हाउ डू वी डील विद इट, अगर आप ये वाला पोर्शन कर लेते हैं देन एवरीथिंग एल्स इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू. बिकॉज देन एक बार आपने ये समझ लिया ये बेस है कंपनीज का, बिकॉज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के एग्जामिनेशन में इन्होंने कंपनीज का पॉइंट ऑफ व्यू पिक किया था. सो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनी फाइनल अकाउंट्स इज द बेस. इसकी जो बैलेंस शीट बनती है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, यू हैव टू वर्क अपॉन दैट. देन यू हैव टू मूव टूवर्ड्स दीज टू एरियाज. चाहे आप फोर्थ नंबर पर इसे रख लीजिए, चाहे इसे रख लीजिए, और रिमेनिंग आप दोनों में से किसी को भी पहले करके खत्म कर सकते हैं. मतलब पहले आप इन दोनों को करिएगा और एंड में आकर यू कैन डील विद द बायबैक. वॉट एवर कैन बी द फिफ्थ नंबर, इट विल बी द सिक्स्थ नंबर. अगर आप इस टॉपिक को थॉरली करने का सोचते हैं, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो यू शुड गिव एटलीस्ट 15 डेज फॉर दिस. अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं देन द गुड पॉइंट वुड बी, अगर मैं कॉर्न एवरेज आपको बताऊं कि 3 घंटे के आसपास का आप समय कमर्स एंड अकाउंटेंसी पर दो रोज देकर चलते हैं, तो आई थिंक अराउंड 15 डेज इज गुड इनफ टू फिनिश ऑफ द पोर्शन ऑफ कमर्स एंड अकाउंटेंसी. ठीक है, सो दैट्स व्हाट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू. 15 टू एटलीस्ट 20 डेज यू शुड गिव. रादर अगर आप फर्स्ट टाइमर है तो आप इसको पढ़ने में ना, जब तक आप बाकी सब्जेक्ट चला रहे हैं, इसको साथ साथ चलाते चलेगा, सो दैट आपको इस एकदम से बहुत कुछ याद करने वाला चीज़ भी ना हो जाए, बट आपकी प्रिपरेशन ऐसे हो जाए कि इसमें से जब पेपर आए तो आपको अच्छे से आता हो. ठीक है, देन मूविंग ऑन. अगला हमारे पास आता है मैनेजमेंट. विन विन सिचुएशन, यही सेम चीज़ हमको आरबीआई में भी पढ़नी है और यही सेम चीज़ सेबी में भी है. तो सेबी में सबसे पहले जब आप शुरुआत करते हैं, यू शुड स्टार्ट विद ए. यहाँ पर सबसे पहले आपको मैनेजमेंट क्या होती है, उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, इन सब चीज़ों को पहले पढ़ना चाहिए. दिस इज समथिंग विच यू कैन फाइंड इन NCERT's क्लास प्लस टू, वहाँ पर भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा इसको बेस पढ़ने के लिए. कि एग्जैक्टली अगर आपने मैनेजमेंट नहीं पढ़ा हुआ तो ऑब्वियसली यू नीड टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये टर्म्स हैं क्या, कैसे पढ़नी है, इनका करना क्या है, तो ये आपको पढ़ने में मदद करेगा. फिर आपके लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, एक होता है लीडरशिप, एक होता है मोटिवेशन. मोटिवेशन एंड लीडरशिप अगर आप दोनों को कवर करने का सोच रहे हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, दोनों को एक दिन में कवर मत करना. अगर आप फर्स्ट टाइमर है तो मोटिवेशन अलग पढ़िएगा और लीडरशिप अलग दिन पे पढ़िएगा. अगर आप इन दोनों टर्म्स को एक साथ पढ़ते हैं ना तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, बिकॉज इनमें मल्टीपल थ्योरीज है तो वो थ्योरीज के नाम नहीं याद रहेंगे. तो अगर आप MCQ में देने जाएंगे तो आपको शायद नामों में कन्फ्यूजन हो जाए. सो यू शुड अवॉइड डीलिंग विद बोथ ऑफ दीज टुगेदर. आप इन्हें अलग अलग दिन पे करेंगे थोड़ा सा बेटर हो जाएगा. देन HRD इज अ वेरी इजी टॉपिक टू कवर बट लिटिल वास्ट. सो अगर आप इन टॉपिक्स को देख रहे हैं, लीडरशिप, मोटिवेशन, ये जो अगर आप पूरी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं देन गिव एटलीस्ट 3 to 4 days ऑन द मैनेजमेंट प्रोसेसेस. अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द बेसिक्स. NCERT से एक बार इनको ओवरव्यू ले लीजिए कि एग्जैक्टली ये टॉपिक्स होते क्या, एंड देन यू गो हेड विद द हायर लेवल. और इसको आप ऑनलाइन देखना चाहें तो ऑनलाइन भी उतना देखेगा जितना आपके इस पेपर के थोड़ा रेलिवेंट हो जाता है, बिकॉज अगेन ऑनलाइन में आपको इतना कुछ मिल जाता है, आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपके काम की है. ठीक है, नेक्स्ट ये रहा मोटिवेशन का पूरा टॉपिक. लीडरशिप और मोटिवेशन दे शुड बी डन ऑन अ सेपरेट डे. रेदर लीडरशिप कीजिए, उसको एब्जॉर्ब कीजिए, देन मूव टूवर्ड्स मोटिवेशन. डू नॉट डू द बोथ द टॉपिक्स टुगेदर बिकॉज दैट इज गोइंग टू जस्ट क्रिएट अ केओस इन योर ओन माइंड. देन आपके पास एक टॉपिक आता है कम्युनिकेशन. दिस टॉपिक इज ऑल्सो कॉमन देयर इन टर्म्स ऑफ RBI एंड SEBI. तो अगर आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं, आई थिंक गिविंग इट अ डे वुड डू. 3 to 4 hours के अंदर आपका, अगर आप ओवरऑल इसका जितना पहले डेटा इकट्ठा करके फिर पढ़ के फिर यू आर थिंकिंग अबाउट इट, इट विल टेक अराउंड 3 to 4 hours. अदरवाइज दिस अगर आप पहले ही नोट्स निकाल कर रखते हैं, इट विल टेक अ लेसर टाइम. मैनेजमेंट इज बेसिकली मोर अबाउट द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, सो इट विल टेक अ लेसर टाइम एज कम्पेयर टू कमर्स एंड अकाउंटेंसी. सो यहाँ पर आपको समय थोड़ा कम लग सकता है, बट यू शुड डू इट विद द कमर्स देयर, क्योंकि थोड़ा सा इजी होता है ना कि एक प्रैक्टिकल चल रहा है, एक हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो हम जल्दी ग्रैप कर पाएंगे, आप उसको साथ में चला सकते हैं. फिर बारी आती है फाइनेंस की. इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस ये ही सेम टॉपिक्स, नॉट इवन अ सिंगल डिफरेंस इज देयर. इन टर्म्स ऑफ RBI सेम चीज़ आपको मिलेंगी.
फाइनेंशियल सिस्टम, रोल एंड फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, देन फाइनेंशियल मार्केट्स, ये टॉपिक्स को एक बार अच्छे से देखिएगा। रेगुलेटरी बॉडीज तो कहीं ना कहीं आप जल्दी कवर कर पाएंगे, लेकिन जो फाइनेंशियल मार्केट्स के ये जो क्रिटिकल टर्म्स आ जाते हैं ना, दोज टेक्निकल थिंग्स आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज कि ये फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल सिस्टम थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। इसको अगर आप एक बार ही पढ़ लेंगे, इन्वेस्टमेंट है, इसके नोट्स इकट्ठे करने से लेकर इसके पढ़ने से लेकर हर चीज़ अगर आप साथ में देख के चलते हैं, तो देन इट विल बी वे टू बेनिफिशियल, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इन कैश इन टर्म्स ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एज वेल। ठीक है, फिर अगला क्या अपने पास, इसके ये जो कुछ एक टॉपिक्स है विच रिक्वायर योर प्रॉपर टाइम, मतलब इफ कमर्शियल अकाउंटेंसी इज गोइंग टू टेक 15 डेज, दिस कैन टेक मोर देन दैट, बिकॉज दिस इज समथिंग विच कंटेन्स मेनी टीडियस एक्टिविटीज़। कई ऐसे सब्जेक्ट्स, इसके कई टॉपिक्स हैं जिनको बहुत तरीके और बहुत प्यार से पढ़ने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, डेरिवेटिव्स का पोर्शन जो है, फॉरवर्ड फ्यूचर्स एंड स्वैप, देन जो रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर, ये तो हमको वैसे भी पढ़ते रहना, बिकॉज हम लोग इस पेपर के लिए प्रिपेयर करें या किसी के लिए भी प्रिपेयर करें, जहाँ पर फाइनेंस की बात आएगी, वी नीड टू नो अबाउट दोज बेसिक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ बोथ आरबीआई एंड सेबी। ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अगेन अ लिटिल ईजी टॉपिक। सो देन इसको अगर आप लेकर चलते हो, स्पेंड अराउंड 15 to 20 डेज जुडिशियसली। ठीक है, थोड़ा तरीका इस पर लगाइए अपना, हर दिन का 1.5 घंटा 2 घंटा इसके लिए रखते चलिए, और धीरे धीरे इसके टेक्निकल टॉपिक्स को कवर करते चलिए। देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, दीज टैक्सेस आर समथिंग जो अगर ये लिख दिया गया ना टर्म, पता नहीं पेपर में क्या डाल दे, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेजेंट फॉर्म्स में क्या किया गया है। निर्मला सीतारामन जी ने इस समय फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर आने के बाद से उन्होंने टैक्सेस में काफ़ी सारे चेंजेस लाए हैं, दोज चेंजेस आर समथिंग विच आर टेक्निकल, तो अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके देखते चलेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। पेपर से बिल्कुल पहले एकदम से ना, इट इज गोइंग टू बी सच अ केओस कि शायद आप उस समय इन चीज़ों को ग्रैब ना कर सकें। देन अबाउट द फिस्कल पॉलिसीज, देन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गिव योरसेल्फ सम टाइम। एंड देन वी हैव इन्फ्लेशन पोर्शन, WPI, CPI कंपोनेंट्स, देयर एस्टिमेट्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जब इन्हें आप करेंगे ना तो तसल्ली से करने के रिक्वायरमेंट है। अगेन गिव अराउंड 15 to 20 डेज एंड ट्राई टू अवॉइड डूइंग 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इन 1 पर्टिकुलर टाइम, दैट इज़ वॉट आई ऑलवेज अग्री विद, क्योंकि एक प्रैक्टिकल करने के बाद ना थोड़े समय की थ्योरी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, सो दिस इज वेयर यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कॉस्टिंग का सब्जेक्ट। कॉस्टिंग इज नॉट आस्क्ड इन अदर एग्जामिनेशन, बट इन दिस एग्जामिनेशन इट इज देयर। तो अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर हमारे पास पहले इसका ओवरव्यू आता है, इसका जो बेसिक है यू विल नॉट फाइंड इन +1 +2 बेसिक्स, ये एडवांस लेवल की अकाउंटिंग आ जाती है। तो इसके लिए आपको पहले थोड़ा सा हायर लेवल पहले होमवर्क करना पड़ेगा कि आप कहाँ से इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, इसका बेस कहाँ से बनाना चाहते हैं। उसके बाद तो आपको सबसे पहले शुरुआत यहीं से करनी है, पहले आपको यही पढ़ना है, दैट इज द ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सेकेंड, आपको इसके मेथड्स को रिव्यू करना है। थर्ड पर आकर यू नीड टू गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल, ये और ये। इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, कुछ कंसेप्चुअल भी है। दिस पर्टिकुलर पोर्शन रिक्वायर्स योर टाइम। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग को थोड़ा तसल्ली से कीजिएगा। इवन अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट है तो आपको पता होगा कि ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो टॉपिक है इसके अंदर इतने फॉर्मूलाज हैं। तसल्ली से बैठकर चार्ट वगैरह बनाकर 1-to-1 एक बार ही मेरा ब्रेन मैप तैयार कर लो, एंड में आकर बस ये 5 मिनट लगाकर पढ़ना है और पेपर देने निकल जाना है। ऐसी चीज़ आपको बनाकर रखनी चाहिए अपने लिए। देन बजट एंड बजटरी कंट्रोल इज एज कम्पेयर टू दिस थोड़ा सा ईजी है, बट दिस टॉपिक रिक्वायर्स प्रॉपर इन डेप्थ स्टडी। ये टॉपिक कुछ ऐसा है। देन लीन सिस्टम एंड इनोवेशन की जब आप बात करते हैं, दिस इज समथिंग जो आपको ना काउंसिल में मिलेगा, मैनेजमेंट में मिलेगा। दिस हैज JIT लीन सिस्टम और उसके साथ में आपके पास काइजन, 5S, TPM, देर आर मल्टीपल एरियाज वेर यू कैन वर्क अपॉन। ठीक है, ये वाले जो है ये कंसेप्ट आपको ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, और इन कंसेप्ट का आपको कोर समझ पाना जरूरी है, बिकॉज अगेन इनके बेस्ड न्यूमेरिकल्स इज समथिंग विच वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, बट इनके टॉपिक्स की एक इन डेप्थ समझ होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनमें से काफ़ी सारे जापानीज़ है, काइजन, 6 सिग्मा, देन ये 5S, ये ना आपको थोड़े प्यार से तसल्ली से एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ गुड कंटेंट, बट अगर आप इसको आराम से पढ़ेंगे ना आपको बहुत आराम से समझ में भी आएगा इसका। ओके, देन मूविंग ऑन टू द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में सेबी एग्जाम में विन विन सिचुएशन इसलिए क्योंकि इसमें चैप्टर 3, 4, 8, 10, 11, देन 12 एंड देन वी हैव 17।
तो आपके पास क्या रहता था कि आपके पास एक बेनिफिट है कि आपके पास कुछ स्पेसिफिक ही टॉपिक्स हैं जो आपके पास आने वाले हैं. तो देन यू नो नीड नॉट टू वरी अबाउट द फैक्ट कि आप उसमें क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने हैं. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट, जब आप इन पर्टिकुलर प्रोविजंस को पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले आपको द कंपनीज एक्ट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी ही पड़ेगी. यू कैन नॉट स्किप द बेसिक्स ऑफ द कंपनीज एक्ट की कंपनीज होती क्या है और कंपनीज का बेसिक क्या है. द कंपनीज एक्ट 2013 कब बना था, इसका बेस क्या है, कंपनी क्या होती है, वो बेसिक्स यू कैन नॉट स्किप. एक बार वो आप स्किप ना करके उसको एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप इन सबको देखेंगे तो इसमें आपको समय कम लगेगा बिकॉज आपको उसका बेसिक मशीनरी समझ में आ चुका होगा. सो ऑल यू नीड टू डू इज एक बार जुडिशली तसल्ली से बैठकर आपको इसको रिव्यू करना होगा. दिस कैन टेक अप टू 15 to 20 days, वही समय, क्योंकि लॉ है, समझने में समय लगता है. और उसके ऊपर आप तसल्ली से पढ़ोगे ना, चाहे एक दिन में कम पढ़ लेना लेकिन तसल्ली से पढ़ लेना, उस पर्टिकुलर लॉ में क्या कहा जाता है वो डिकोड करके रखोगे ना, तो ये इसमें स्कोर करना ईजी हो जाता है क्योंकि ये इनमें फिर थोड़ा इजी टॉपिक है अगर आप एक बार ना कंसेप्ट को समझने वाले हो तो. ठीक है, ईको ये तो हमारा एसेट है, वाई आई कॉल का एसेट, बिकॉज अगेन ये आपको हर एग्जाम में मिलेगी. तो डिमांड एंड सप्लाई, क्लासिकल एंड केन्जन अप्रोच, देन डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, दीज थिंग्स शुड बी डन ओवर अ पीरियड ऑफ अराउंड, अगर आप इन सबको साथ में लेकर चल रहे हैं तो आप हर दिन के 2 या 3 सब्जेक्ट्स मैक्स रखिएगा. कोशिश कीजिए कि आप जैसे पेपर के अभी नोटिफिकेशन में समय है, अगर आपके पास अभी भी हम मानकर चले कि इस साल के अंत तक तो उम्मीद नहीं है, मे बी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और मे बी नेदर नेक्स्ट ईयर इन द बिगनिंग दे विल बी गिविंग द नोटिफिकेशन देयर इफ दे गो फॉर इट, बिकॉज सेबी की तरफ से ये आ रहा है कि नाउ इट्स अ फास्ट पेस ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन विच इज लुकिंग फॉरवर्ड टू रिक्रूटमेंट्स नाउ, सो नाउ दे नीड पीपल, सो दे आर गोइंग टू ब्रिंग मोर वैकेंसीज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. सो अगर वो चीज़ वैसी ही रहती है तो आपके पास इकोनॉमिक्स और इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने रहेंगे. और ये 3 से 4 महीने के अंदर आपको ये पूरा का पूरा स्प्रेड करके चलना चाहिए. स्प्रेड करने का बहुत बेनिफिट रहता है बिकॉज यू विल बी एबल टू स्टडी इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. सो व्हाट यू कैन डू इज डिमांड सप्लाई मार्केट स्ट्रक्चर नेशनल इनकम, इन सब चीज़ों को एक साथ पढ़ने के बजाय, एक पर्टिकुलर दिन में आप रिविजन करने के बजाय आप इन सब सब्जेक्ट्स को बांट लीजिए कि हर दिन में मैंने इतना इतना एक एक सब्जेक्ट करना ही करना है. और उसके साथ प्रैक्टिकल और एक थ्योरी, प्रैक्टिकल और थ्योरी, चाहे हर दिन के 2 सब्जेक्ट्स आप रख के चलिए. एंड देन यू स्टार्ट विद द इंग्लिश एंड द रीजनिंग एंड एवरीथिंग एल्स अलॉन्ग विद दैट, बिकॉज वो तो आपको हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना ही है. देन तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल हो जाता है. ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, दिस इज समथिंग जो एसेट है क्योंकि यहाँ भी काम आएगा, आरबीआई में भी काम आएगा, नबार्ड में भी काम आएगा, ईपीएफओ अगर किसी ने दिया था उसमें भी आएगा, एपीएफसी आएगा तो उसमें भी काम आएगा. मतलब आप जो भी एग्जामिनेशन सोच रहे होंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको इकोनॉमिक्स के मिलेंगे ही मिलेंगे जो हर पेपर के लिए रेलिवेंट हो जाते हैं. सो व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एग्जामिनेशन, अगर आप एक इन डेप्थ एक क्रैक करने के पूरे थॉट प्रोसेस का चलने का सोच रहे हैं ना, गिव अराउंड 3 to 4 months फॉर योर प्रिपरेशन, बिकॉज दैट विल स्ट्रेंथन इट टू दैट लिमिट कि जब आप पेपर का नोटिफिकेशन आएगा आप बोलोगे चलो टेस्ट सीरीज लगाई और काम खत्म हुआ अपना, अपनी प्रिपरेशन पूरी, आपको सिर्फ पेपर देने जाना है. वो जब आइडियोलॉजी फॉर्म हो जाती है ना, देन इट इज़ ईजियर टू कम इन दोज 80 students जो पिछली बार का वैकेंसी था. That makes it easier for you. And especially if you are working somewhere or you're also preparing for something else, it is better that you define particular time period for your studies every day. कि मैंने इतना time तो इसको देना ही देना है. So I hope this particular video helps you in understanding कि इस subject को जब आप पढ़ना है तो कौन कौन सी चीज़ों को कितने और कैसे चलना है उसको पढ़ाई को लेकर. So just make sure if you are thinking of SEBI grade A, then you should start preparing right away. Even if the notification comes in the next beginning of the year, I think उससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए. अगर ये उसी हिसाब से चलते हैं तो आपके पास 3 से 4 महीने आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा समय है, where you can understand the concepts and get yourself cleared with it. Thank you. So in case you are looking forward to anything regarding SEBI or कोई queries हैं, you can call us, और हमारे course की details यहाँ पर नीचे available हैं. Thank you.